आज जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तथा श्रम मंत्री मनोज सिसोदिया जी हैं, सरकार द्वारा मजदूरों को भ्रमित करने के लिए तथा दोहरी नीति अपना रखी है। आज जो केजरीवाल सरकार है, मनीष सिसोदिया जी हैं, जहां पर सत्ता है वहां के मजदूरों के साथ अनहित किया जा रहा है, वहां के मजदूरों को गुमराह किया जा रहा है। अभी चुनाव होने वाले हैं गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर, जो चुनाव हो उसके अंदर सत्ता में नहीं थे तो इन्होंने मजदूरों को, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उन्हें आश्वासन दिया था कि आपको जो नियमित कर्मचारी हैं उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, अनुबंध पर कर्मचारी उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। गुजरात के अंदर भी कह रहे हैं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी कह रहे हैं, लेकिन आपके बीच में उदाहरण देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो मन बुद्धि बच्चे हैं, स्वास्नी हैं, वो जो बीमार हैं, बोल नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, उसकी जो आशा किरण होम है, आशा ज्योति है, वो आशा दीप होम है, तीन होम दिल्ली के अंदर है जिसके अंदर 247 आवसंटियाँ हैं जो 2009-2010 से लगातार काम करती आ रही हैं। उनकी और कोई मांग नहीं है, वो अपने बच्चों को छोड़कर, जो बीमार बच्चे हैं, मनबुद्धि बच्चे हैं, उनकी देखभाल करती है, उनकी मैला साफ करती है, कपड़े धोती है, सारा कुछ करती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और जो भारत सरकार है वो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन 247 आवसंटियाँ हैं उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी तथा श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को बताना चाहते हैं कि आपके दिल्ली शहर के अंदर 247 आवसंटियाँ हैं जो तीनों होम के अंदर काम कर रही हैं, उन्हें अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का वेतन नहीं मिला है। और आप जाके गुजरात के अंदर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि उन महिलाओं कर्मचारियों की समस्या हल कर देंगे, मजदूरों को न्यूनतम वेतन बढ़ा देंगे, उनके कर देंगे, लेकिन जहां पर आप की सत्ता 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं वहां के मजदूरों की हालत क्या है, उस पर दिल्ली के श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। आज यहाँ के जो आवसंटियाँ जो काम कर रही हैं उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, और यहाँ पर दो तरह की आवसंटियाँ है, एक अनुबंध पर काम कर रही हैं जो गवर्नमेंट ने खुद नियुक्ति कर रखी है, और दूसरा है आउटसोर्स जो ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम कर रही है। जो ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम कर रही हैं वो आउसंटियों को, उन्हें साल में एक माह का बोनस मिल रहा है, उन्हें ESI की सुविधा मिल रही है, उन्हें PF मिल रहा है, उन्हें साल में 15 पक्की छुट्टियां मिल रही हैं, उन्हें 12 कैजुअल छुट्टियां मिल रही हैं, त्यौहारी छुट्टियां मिल रही हैं, अगर ओवरटाइम लगाती उन्हें डबल ओवरटाइम मिल रहा है, लेकिन उनसे सीनियर कर्मचारी जो अनुबंध पे कार्य कर रही हैं 2009-10 से, उन कर्मचारियों को केवल 20 कैजुअल अवकाश के अलावा कुछ नहीं मिल रहे। हम लोगों ने इसकी लेबर कमिश्नर को शिकायत की, लेबर मिनिस्टर उस टाइम थे गोपाल राय जी, उनको बोला तो उन्होंने एक कमेटी बना दी थी। कमेटी के अंदर हमारी नेगोशिएशन लेबर कमिश्नर के पहले जो स्पेशल कमिश्नर राजेंद्र धरजी थे उनके पास हुई, फिर यहाँ पर ललन सिंह ज्वाइंट लेबर कमिश्नर थे, अब ज्वाइंट लेबर कमिश्नर एस के गुप्ता के पास बातचीत चल रही थी, जो होम के डायरेक्टर की तरफ से आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर अफसर हैं और तथा सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने 500 बार जो श्रम विभाग के अधिकारी को लिख कर दिया कि इनका बोनस और एक माह के बराबर तथा समान काम का समान वेतन लागू कराने के लिए, और बेसिक वेतन तथा महंगाई भत्ता जो सरकारी कर्मचारी को मिलता है उसे लागू कराने के लिए हमने अप्रूवल के लिए फाइल डायरेक्टर को भेज रखी है। लेकिन डायरेक्टर के यहाँ से आते हैं कि इन्होंने नीचे के अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं, और ऊपर के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास सही ये रिपोर्ट ही नहीं भेज रहे हैं। माने ऊपर के अधिकारियों को और नीचे के अधिकारी के मिली भक्ति के कारण हमारी 247 आवसंटियों के साथ शोषण किया जा रहा है। इस शोषण करने में उनके महकमे के कुछ अधिकारी हैं जिनका मैं आपका नाम लेना बताना चाहता हूँ। श्री जी सी मीणा है, सीनियर सुपरिटेंडेंट है, श्रीमती रचना भारद्वाज है सुपरिटेंडेंट है, संजय शर्मा जो हेडक्वार्टर बैठते हैं सुपरिटेंडेंट है, पवन कुमार जो LDC है, ये लोग जो विभाग के अधिकारी हैं उन्हें गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट बनाते हैं। इन्होंने डायरेक्टर महोदय को एक रिपोर्ट भेजी कि इन कर्मचारियों को आउटसोर्स पर कर दिया जाए। इन्होंने इनकी लापरवाही तथा इनकी जो हेराफेरी के कारण उन मजदूरों की फाइल का जब पता लगा कि इन्होंने आउटसोर्स करने की प्लानिंग बना दी है तो हमने कोर्ट से स्टे ले लिया। तो ये तो पक्का है कि उन्हें आउटसोर्स पर नहीं कर सकते, अनुबंध के कर्मचारी को वो परमानेंट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी बता देना चाहते हैं
कि दिल्ली सरकार के जो समाज कल्याण मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उनसे भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनको एक महीने के अंदर इनके समस्या हल करा देंगे, लेकिन जब से हमने राजेंद्र पाल गौतम जी से मिले तब से अप्रैल के बाद अभी तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। अब ये पूछना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि जो कर्मचारी 15,506 रुपये कमाने वाली लेडीज़ हैं, अपने पल्ले से किराया खर्च करके आएंगी, वो अपना कोई किराए पे भी रहती होंगी तो वो अपना परिवार का गुजारा कैसे करेगी। दिल्ली के श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री को उनके ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो दिल्ली के मजदूरों की तरफ ध्यान ना देके गुजरात के चुनाव में चाहते हैं कि चुनाव में हमें बड़ी कामयाबी मिले। आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन जहां सत्ता है वहां के मजदूरों के साथ अनहित नहीं होना चाहिए। वहां के मजदूरों को परमानेंट करने के जो आपने आश्वासन दिया था उन्हें परमानेंट करना चाहिए। और साथ में हमारी 16 तारीख को SC यादव स्पेशल कमिश्नर है, उनके यहाँ मीटिंग भी रखी हुई है, तथा उन्होंने कहा था पीछे मीटिंग में कहा था कि आपकी जो डायरेक्टर है उनसे मीटिंग करवा देंगे और मीटिंग करवा के इनकी समस्याओं को हल कराएंगे। लेकिन हम जब भी उनके समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर को मेल करते हैं और टाइम मांगते हैं तो अभी आज नहीं कल आएंगे। उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं ललित कुमार जी हैं वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने मजबूर होकर उसके खिलाफ़ हमने एक ये तय किया है कि जो दिल्ली समाज कल्याण विभाग के जो 4 अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं उनका काम क्या है। उन्होंने होम का करोड़ों रुपया हेरा फेरी करके बच्चों को जो 5 साल पहले सुविधा मिलती थी, जो अंडा दूध कपड़े लत्तो जो सारी सुविधा मिलती थी 5 साल पहले, वो आज आधी कर दिए। इनकी पॉलिसी ऐसी है इन अधिकारियों की, उसकी भी हम जाँच कराने की मांग को लेकर 29/11 को सुबह 10 बजे LG हाउस को ज्ञापन देंगे कि दिल्ली सरकार तो सुन नहीं रही है, आप दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई ऐसा आदेश लाइए जिससे दिल्ली के जो 247 हाउस एंटी हैं उनकी समस्याओं को हल कराया जा सके। क्योंकि दिल्ली सरकार को कई बार ज्ञापन देने के बाद भी वो दिल्ली के मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती है। इसलिए 29/11 को सुबह 10 बजे जितनी भी तीनों होम की जो महिलाओं कर्मचारी हैं वो दिल्ली सरकार के खिलाफ ज्ञापन देंगे। और ये भी तय है कि अगर दिल्ली के श्रम मंत्री या जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने 29 से पहले अगर हम लोग की वार्ता डायरेक्टर से नहीं कराई तो जो चुनाव नगर निगम के होने वाले हैं उस चुनाव के अंदर भी आम आदमी पार्टी का हम बहिष्कार करेंगे। चाहे हम किसी को भी वोट दें लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो सरकार हम लोग का वेतन नहीं दिला सकती है, समान काम का समान वेतन लागू नहीं करा सकती है, ऐसी सरकार को चुनने का क्या फ़ायदा। ऐसी सरकार केवल झूठे वादे करती है। पहले नरेंद्र मोदी जी वादे झूठे करते थे और आम आदमी पार्टी झूठे वादे कर रही है। इसलिए नगर निगम चुनाव के अंदर दिल्ली सरकार के खिलाफ या तो हमारी वार्ता पहले ही करवाएं, दिल्ली के श्रम मंत्री से अपील है और मुख्यमंत्री से अपील है कि हमारी या तो वार्ता कराएं, अगर वार्ता नहीं कराते हैं तो डायरेक्टर के खिलाफ तथा दिल्ली सरकार के खिलाफ हम 29/11 को LG को ज्ञापन देके दिल्ली सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे और दिल्ली सरकार के खिलाफ वोट डालने का फैसला भी हम जो जितने भी हमारे हिंदू मोर्चा से संबंधित लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम लोग विरोध करके इसका बहिष्कार करेंगे।